सो यार, क्या हाल है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉइज ऑनरशिप प्लान। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए या उनको जो है फॉर मतलब अच्छे टाइम के लिए अपने ये पास रखने के लिए ये EPOS का आगाज़ करती है। ठीक है, तो इससे इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली ऑप्शंस होते हैं जो कि एक एम्प्लॉई को कुछ टाइम बाद मिलते हैं। ठीक है, और ये वेस्टिंग पीरियड में मिलते हैं। किसमें? वेस्टिंग पीरियड में। ठीक है, इनका मतलब टाइम इस तरह होता है कि लेट सपोज के एक एम्प्लॉइज़ को जो एम्प्लॉइज़ जो है वो 4 साल के लिए उसको मतलब काम कर रहा है। ठीक है, एक कंपनी में तो 4 साल के अंदर मतलब टाइम है, ये वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, इस एम्प्लॉय का, तो इस टाइम के अंदर वो कंपनी क्या करेगी, थोड़े थोड़े करके इन ऑप्शंस को देगी। ठीक है, अब इन ऑप्शंस के तहत जो है वो एक एम्प्लॉय अपनी स्टॉक्स को ख़रीद सकता है। ठीक है, और इन स्टॉक को ख़रीदने के लिए उनके उसके पास एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपिरेशन टाइम। ठीक है, और वो कुछ 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, 3 या 3 to 4 मंथ्स का होता है, डिपेंड करता है कि कंपनी इसको कितने मंथ्स का दे। ठीक है, अब उस ऑप्शन के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो इस कंपनी के अपने होते हैं। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉई जो है वो अपनी कंपनी में जिस कंपनी में काम कर रहा है उसी कंपनी में वो इन्वेस्टेड होता है, यानी कि अब वो उसी कंपनी का टेक्निकली ओनर होता है। ठीक है, ओनर बन सकता है अगर वो उतने टाइम पीरियड के लिए काम करे। ठीक है, तो ये EPOS बेसिकली जो गोल्डन हैंड कफ है जिसको हम कहते हैं, गोल्डन हैंड कफ एक तरीके से ग्रांट होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, तो उस गोल्डन हैंड कफ के लिए EPOS काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेटजी साबित होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि काम किसे करते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि आप एक एम्प्लॉई हो। ठीक है, और एक आप एक कंपनी में गए। ठीक है, और ये कंपनी जो है वो इस कंपनी ने आपको कहा कि हम जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को EPOS देते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपने काम करना स्टार्ट किया, आपने मांगा कि भाई मुझे EPOS दो, तो वो कहेंगे कि भाई अभी नहीं मिलेंगे, इसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद आपको जो है वो वेस्टिंग पीरियड में मिलना शुरू होंगे। ठीक है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं CLIFF। ठीक है, तो इसको ये बेसिकली अगर आप इसका मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब ये चट्टान, ठीक है, पहाड़ की चोटी। तो जब इस क्लिफ का जो टेन्योर होता है यानी कि जो टाइम पीरियड होता है ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपको जो ये अलॉट होना शुरू हो जाएंगे ऑप्शंस। ठीक है, ठीक है, लेट सपोज कि आपने इसकी ये टाइम पीरियड है कुछ 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर आपने इस कंपनी में काम किया। कौन सी कंपनी में? इस कंपनी में। ठीक है, तो इस कंपनी में आपने 1 ईयर काम किया, 1 ईयर के बाद अब आप जो एलिजिबल हो गए हो कि आपको ये ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएं। ठीक है, अब ये ऑप्शंस आपको एकदम ही नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, लेट सपोज कि कंपनी कहती है कि मैं आपको 2 ऑप्शंस देगी। ठीक है, 2 ऑप्शंस देगी। ठीक है, या लेट सपोज उसके बाद कहती है 200 ऑप्शंस देगी, कुछ और कुछ शेयर्स उसमें होंगे। ठीक है, जो कि आपको स्ट्राइक प्राइस पे मिलेंगे। ठीक है, एक्सेस पीरियड के वक्त। ठीक है, तो अब उसे छोड़ दो जो मैंने अभी भी कहा। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज कर देगा आपको। अब लेट सपोज कि वो आपको ऑप्शंस वेस्टिंग पीरियड में मिलेंगे, यानी कि एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी जो है उसको 2 ऑप्शंस दें और फिर वो भाग जाए, कंपनी छोड़ दे। ठीक है, तो यानी कि आप भाग जाओ और कंपनी छोड़ दो। ठीक है, तो यानी कि वेस्टिंग पीरियड में यानी कि हर लेट सपोज कि हर क्वार्टर के बाद या हर साल के बाद आपको जो है वो 200 शेयर्स मिलने थे, आपको हर जो है वो 10-10 करके ये अलॉट होते जाएंगे। ठीक है, अब ये तभी अलॉट होंगे, मतलब ये तभी, अब ये भी तो हो सकता है कि ना कि एम्प्लॉई आप जो है वो जब आपको ये 2 दफ़ा मिल जाएँ, 2 दफ़ा अलॉट हो जाएँ, या आपको जो है 100 EPOS मिल जाएँ, तो आप जो है इसको छोड़ के चले भी जा सकते हो कंपनी के। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है कि आपको जब ये 10-10 करके अलॉट तो वेस्टिंग पीरियड में होंगे, लेकिन इनकी जो फुल अलॉटमेंट है यानी कि पूरे जो आपको मिलने हैं 200, वो तभी मिलेंगे जब आपकी ये पूरा टेन्योर पूरा होगा, पूरे 4 साल के पूरे होंगे। ठीक है, लेट सपोज हम 4 साल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो उन 4 साल के बाद आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मुझे जो है वो 3 साल के दे दो, क्योंकि मैंने 3 साल काम किया, मैं 3 साल छोड़ रहा हूँ, चौथे साल 4 ईयर का वेट नहीं कर सकता, 4 ईयर और एक साल और मज़ीद काम नहीं कर सकता, तो ये इस तरह नहीं होगा। मतलब फिर आपको इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको उसी सिचुएशन में मिलेगा जब आपके 4 ईयर्स पूरे होंगे। ठीक है, हम 4 ईयर सपोज करें, कंपनी का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 ईयर्स आपके कंप्लीट होंगे और 4 ईयर्स के बाद ही आपको टोटल पूरी अलॉटमेंट होगी। फिर शुरू हो जाता है आपका एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, इस एक्सरसाइज पीरियड में, ठीक है, हम EX लिख रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज पीरियड। इस एक्सरसाइज पीरियड में आपको उन ऑप्शंस को कन्वर्ट करने होते हैं शेयर्स में। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस ये होते हैं, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है, वैसे तो कॉल पुट होते हैं, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसकी बात कर रहा हूँ कि इस ऑप्शन में क्या होता है कि आपके पास एक स्ट्राइक प्राइस होती है, उस स्ट्राइक प्राइस में आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। ठीक है,
अब वो स्ट्राइक प्राइस काफ़ी कम होती है क्योंकि करंट मार्केट वैल्यू और ज़्यादा मतलब बड़ी हुई होती है अब, क्योंकि इसको पहली पहली बात कि इसको जो है वो एज अ ग्रांट देने का फ़ायदा ये होता है कि एम्प्लॉई जो है मोटिवेट हो जाता है कि बोलता है कि मैं इस कंपनी को जो है जितना अच्छा बढ़ाऊँगा, जिस कंपनी के लिए जितना काम करूँगा, इस कंपनी को जितना आगे पहुँचाऊँगा, एंड में जाके मुझे रिवॉर्ड उतना ही बड़ा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ऑप्शन मैं स्ट्राइक प्राइस पर इसको जो है वो एक्सरसाइज कराऊँगा इस ऑप्शन को, तो स्ट्राइक प्राइस ऑलवेज मतलब जो जिस वक्त अलॉट की जाएगी उस वक्त उस वक्त कम होगी। ठीक है, और करंट उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू यानी कि जिस वक्त आपको ये मिलेंगे अलॉट होंगे उस वक्त उस शेयर की करंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैं इसको जो है कंपनी को इतना अच्छा इस कंपनी में काम करें, इस कंपनी को इतना अच्छा आगे लेकर जाऊं ताकि इनकी जो एंड में जो इसकी जो करंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो और मुझे जो वैल्यू पे करनी पड़े वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि आपको जो स्ट्राइक वैल्यू पे स्ट्राइक प्राइस पे एक तेज होता प्राइस होती है जिस प्राइस पे आप जो है शेयर खरीदोगे, फिर चाहे भले उस शेयर जो है उसका प्राइस कितना भी हो मार्केट में। ठीक है, तो जिसकी वजह से EPOS का फ़ायदा ये होता है कि जब ये एम्प्लॉयज़ को अलॉट किए जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ ये समझता है कि मैं जब इस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा दूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे प्रॉफिट होता जाएगा जितनी मैं इस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाऊंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे इस कंपनी के शेयर मिलने और मुझे इस कंपनी के शेयर स्ट्राइक प्राइस पर मिलने यानी कि तेजशुदा प्राइस पर मिलने। फिर करंट वैल्यू अगर जितनी ऊपर होगी और मेरी स्ट्राइक प्राइस उससे जितना कम होगी उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी मोटिवेटिंग होती है एम्प्लॉय के लिए और ये जो है गोल्डन हैंडकफ की तरह काम कर रहे होते हैं, तो जिसके ऐसे एम्प्लॉय जो है वो अटैच हो जाता है कंपनी के लिए, छोड़ना मतलब नहीं छोड़ पाता उस कंपनी को, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने बीच में से छोड़ दिया तो ये मेरी जो है पिछले साल की जो मतलब इतने साल की जो मेहनत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि मैंने इतना काम किया कंपनी को आगे बढ़ाने में, उसकी जो है करंट शेयर प्राइस को इन्हेंस करने में, बहुत ही बढ़ाने में। ठीक है, सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।